हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया फैशन आर्ट स्टूडियो। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग अपने इलस्ट्रेशन में सिल्क फैब्रिक टेक्सचर शो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने ब्राउन कलर यूज़ किए हैं वो मैंने ब्रंट अम्बर और रॉ अम्बर को मिक्स करके किया है। इसमें आपको वाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है एंड कलर की क्वांटिटी को कम रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने जो वाटर कलर यूज़ किए हैं वो कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर ड्रेस के कुछ पोर्शंस पे यूज्ड किए हैं। अभी मैंने ड्रेस के अपर पार्ट पे ब्राउन कलर यूज़ किए हैं। अभी मैं फोल्ड्स पे भी यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत लाइट कलर यूज़ किए हैं। आपको भी वैसा ही करना है। अभी मैं यहाँ पे येलो के टू सेट्स यूज़ करूँगी, गैम्बोज ह्यू एंड लेमन येलो। यहाँ पे आपको कलर को 3:2 के रेशियो में लेना है। गैम्बोज ह्यू को थोड़ा ज़्यादा लेना है और लेमन येलो को थोड़ा कम। अभी मैं इस येलो कलर से ऑल ओवर एरिया को कवर कर रही हूँ। As you can see that
अभी मैं यहाँ पे ब्राउन कलर दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रंट अम्बर और रॉ अम्बर में ब्लैक कलर मिक्स किया है। ब्लैक कलर की क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है, जिसकी वजह से ये गोल्डन इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से उभर के आएगी। अभी मैं फोल्स पे सेकेंड टाइम डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैंने लाइट कलर यूज़ किया था, जैसा कि आपने पहले देखा था। अगर आपने मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज और सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं।